हम बच्चे भी को तंग करते हैं लेकिन जब किसी बच्चे को वो बुखार हो जाता है, तो वो क्या करता है वो और भी तंग करता है, वो तो फिर कहता है ना कि बस आप मेरे पास ही बैठे रहिए और आपने हिलना नहीं है थी? और अगर आपने किसी की आवाज को भी अटेंड किया तो थी? बस आपने कुछ तो जब बंदा बीमार हो जाता है तो वो बीमार तो होता ही है पर वो तंग ज्यादा करता है और अगर एक छोटा बच्चा जो खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार में मुबतला है और वो भी ज़्यादा तंग करने लगता है विदाउट एनी गुड रीज़न तो जो टीन एजर या अडल्ट होता है जब वो बीमार होता है या कोई बुज़ुर्ग बीमार होता है तो वो क्या करता है और भी और भी ज़्यादा तंग करता है यानी जो बीमार होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो तंग ना करे बीमार तंग करता है अच्छा आम बंदा जो है वो वालदेन के साथ मिसबिहीव करता है जो बीमार होता है तो वो कोई से नेक नहीं हो जाता बीमार होने से कोई बद नहीं हो जाता बीमार होने से कोई नेक नहीं हो जाता लेकिन दूसरों की ज़िंदगी पे ख़राबी पैदा करना लाजम हो जाता है और वालदे को गिल्ट में इंड्यूस करना कि जैसे बीमारी की वजह उनकी है या बीमारी वालदेन ने कुछ ऐसा किया जिससे कि बीमारी हुई और ये हर बीमारी में दूसरा बंदा जो सामने होता है उसके ऊपर ब्लेम होता है डायबिटीज़ हो जाए तो खमद बीवी को कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे डायबिटीज़ हो गई है या दिल की बीमारी हो गई है सम हम बीमार होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम बीमार क्यों हैं। इसके बाद जो बंदा सामने नजर आता है तो हम उस पर मुद्दा डालना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम बीमार हुए और असल वजह गौर करना उनके लिए मुश्किल होता है समझाना मैं ये चाह रहा था कि जब कोई भी घर में बीमार होता है तो वो उसका दिल करता है कि मुलम कौन है मुलम कौन है मुलम मुजरम कौन है तो जब बंदा नशे की बीमारी में भी मुबतला होता है या किसी भी बीमारी में मुबला होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अब तंग नहीं करेगा वो बीमारी की वजह से ज़्यादा तंग करेगा सो जब कोई बीमार होता है तो उसके बाद ये अज्यूम करना कि वो भला मानस होगा ये नहीं ठीक यानी बीमार भला मानस कोई नहीं होता ये तो है ठीक जब बीमार भला मानस नहीं होता कोई भी बीमार तो कोई दिल का मरीज कोई डायबिटीज का मरीज कोई मलेरिया का मरीज कोई बीमार भला मानस होता है कि नहीं बाकी सब भी बता सकते हैं क्योंकि वो तकलीफ में होता है किसी ना किसी पे मुद्दा डालना है ना किसी ना किसी पे मुद्दा डालना है तो जब हम ये कहते हैं कि ये बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बंदा जो है वो तंग नहीं करेगा तंग तो वो ज़्यादा करेगा दूसरे बच्चों की नस्बत ज़्यादा तंग करेगा और इस बुनियाद पर तंग करेगा कि हम तंग होने के लिए तैयार हैं कि नहीं